नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक अल्टीमेटम हुआ बेअसर। जिला लोक शिकायत बेगूसराय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ हेतु तेगरा के तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी सुजीत सुमन ने बात संख्या 1/2021-22 तेगरा अनुमंडलीय बाजार व तेगरा नगर परिषद क्षेत्र मौजा गौरा थाना 329 तेगरा बाजार का भूखंड खाता संख्या 7845 तौजी नंबर 2568 के सरकारी भूखंडों पर मकान दुकान व अन्य माध्यम से उसे अतिक्रमण कर लिया गया है। वैसे 16 अतिक्रमणकारियों को अंचलाधिकारी के द्वारा 14 दिसंबर 2022 को द्वितीय नोटिस जारी किया गया, इसमें 15 दिनों के भीतर अतिक्रमित भूखंडों को खाली करने का निर्देश दिया गया था। उस निर्देश में अंकित किया गया था कि समय अवधि के अंदर अतिक्रमित भूमि को खाली करें, अन्यथा वैसे अतिक्रमित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए प्रशासन के द्वारा खाली करवाने की प्रक्रिया की जाएगी। उस वक्त जो भी राशि की खर्च होगी वह अतिक्रमणकारियों के से वसूल की जाएगी। नोटिस जारी के 25 दिन बीत जाने के बावजूद अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक अल्टीमेटम आज बेअसर साबित हो रहा है और अतिक्रमणकारियों पर अंचल प्रशासन के फरमान का कोई असर नहीं दिख रहा है। पूर्व की भांति सरकारी जमीन पर कब्जेधारियों का कब्जा बरकरार है। तेगरा नगर परिषद वार्ड संख्या 4 में 7 व्यक्ति का कब्जा है, वहीं वार्ड संख्या 6 में 4 जबकि वार्ड संख्या 17 के भूखंड पर 5 लोग कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि जानकार का माने तो तेगरा अनुमंडलीय बाजार व नगर परिषद क्षेत्र तेगरा के सरकारी बहुमूल्य कई एकड़ जमीनों पर नामचीन भूमि माफियाओं का कब्जा कायम है और प्रशासन पूर्व से ही मुख दर्शक बनते आए हैं। सरकार के दबाव पर कभी कभार अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन सम्मिलित प्रयास तो करती है, लेकिन वह बेअसर साबित होते दिखाई दे रहा है। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।